नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी मीठी कहानियां। मगर अपनी कॉफी साथ लाइएगा, क्योंकि यहां कॉफी नहीं कहानियां मिलती हैं। दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है थैंक यू और सॉरी। शर्जील फातिमा नाम था उसका। मेरे साथ क्लास 12 की केमिस्ट्री कोचिंग अटेंड करती थी। कोई खास दोस्ती नहीं थी, बस हल्की फुल्की बातचीत हो जाती थी। 6-7 महीने का साथ था बस। और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले ही उसकी शादी हो गई थी। उसके बाद ना वो कभी मिली, ना उससे कभी कोई बात हुई। मगर 15 साल बाद कुछ 3-4 महीने पहले अपने फेसबुक अकाउंट में शर्जील नाम से एक मैसेज देख मैं चौंक गया। नाम उसका ऐसा था कि फौरन याद आ गया, और फिर चैट हुई और नंबर एक्सचेंज हुए। शुरुआत तो उन्हीं सवालों से कि क्या कर रहा है इतने सालों में, किस किस से टच हो, और वही औपचारिक बातें हुई। मगर फिर मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे कैसे और क्यों ढूंढा। हाँ बिल्कुल, मैंने उससे ये भी पूछा कि उसने मुझे क्यों ढूंढा, क्योंकि मैं तो उसे बिल्कुल ना ढूंढता, और मुझे तो कोई वजह भी नहीं समझ आई कि आखिर उसने 15 साल बाद मुझे ढूंढा तो आखिर क्यों। ना ऐसी कोई खास दोस्ती थी, ना कोई सोशल कनेक्शन, और प्यार इश्क मोहब्बत वाले एंगल होने की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उसकी तो तभी शादी हो गई थी। इनफैक्ट वो तो काफ़ी खुश थी अपने शादी के अनाउंसमेंट को लेकर। खैर, असल कहानी तो अब शुरू होती है। मेरे क्यों ढूंढा के जवाब में उसने कहा, मैंने तुम्हें सॉरी और थैंक यू कहने के लिए ढूंढा है। शर्जील ने मुझे हैरान कर दिया, और मैंने भी अपनी हैरानी साफ जाहिर करते हुए बोला, मगर क्यों, किस लिए भाई, किस बात का थैंक यू और सॉरी। एक गहरी सांस लेकर वो बोली, मेरी जब शादी तय हुई थी और मैंने क्लास में सबको बताया था, तो एक तुम ही थे जिसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया था। इनफैक्ट बड़े बेरुखी से तुमने कहा था, गलत कर रही हो, पछताओगी इतनी जल्दी शादी करके। मायूस आवाज में वो आगे बोली, उस वक्त तुम पर बहुत गुस्सा आया था, दिल कर रहा था एक थप्पड़ मार दूं तुम्हें। बड़े एक्टिविस्ट बने फिर रहे थे तुम, वैसे भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, और किसी भी बात को बोलने में चूकते तो थे नहीं, कुछ रेवोल्यूशनरी टाइप बनते थे, और तुम्हारी इसी बात से मुझे चिढ़ होती थी। और जब तुमने उस दिन मेरे मुंह पर इतना सब कुछ बोल दिया था ना, तो मेरा खून खौल उठा था। बट आई वॉज टू हैप्पी टू टेक नोट ऑफ वॉट यू सेड, एंड आई चोज टू इग्नोर यू एंड वॉट यू सेड। मुझे ऐसा कोई वाक्या याद तो नहीं आया, मगर उसकी मेरे बारे में ये राय सुनकर ताज्जुब जरूर हुआ। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करती थी ये लड़की, लेकिन जरा देखो तो अंदर ही अंदर मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोचती थी, और मुझसे छिड़ती भी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरी बुराई कर रही है कि तारीफ, लेकिन फिर सोचा हार्डली मैटर्स वो मेरे बारे में क्या सोचती है। मैंने बोला, अच्छा आगे तो बताओ, थैंक यू और सॉरी किस बात का बोलना है। वो बोली, तुमने उस दिन सही कहा था, इसलिए थैंक्स, और तुम्हारी बात को तवज्जो नहीं दी इसके लिए सॉरी। बात फोन पर हो रही थी, लेकिन उसकी आवाज में आए उतार से मैं समझ पा रहा था कि वो या तो रो रही है या रोने वाली है, और इस एहसास के साथ ही मैं असहज हो गया। शर्जील को लेकर पूरा थॉट प्रोसेस अचानक बदल गया, लेकिन खुद को संभालते हुए मैंने बोला, आई होप ऑल इज वेल बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड शर्जील। जवाब में वही मिला जो एक्सपेक्टेड था, नो नथिंग इज वेल। शर्जील ने फिर मुझे अपनी कहानी बताई। देखने में अच्छी थी, जैसी ज़्यादातर शिया मुसलमान लड़कियां होती हैं। मैदे जैसा गोरा कॉम्प्लेक्शन और चमकदार स्किन, बड़ी काली आंखें और नकाब और हिजाब में लिपटी एथलेटिक बॉडी। बातचीत में अच्छी थी, लेकिन पढ़ाई में उसका दिल कुछ खास लगता नहीं था, लेकिन स्कोर ठीक कर लेती थी। उम्र लगभग 18 की हुई ही थी कि घर वालों ने उसके कजिन से उसकी शादी की पेशकश रख दी। रस्मी तौर पर शर्जील से पूछा गया और उसने मस्ती में हाँ बोल दी। उसके लिए शादी एक नया एडवेंचर था जो ग्रेजुएशन से ज़्यादा एक्साइटिंग था। उसका होने वाला हस्बैंड लेट 20s में था, लगभग उससे 10 साल बड़ा, मगर उस वक्त उसे अपना होने वाला मियाँ सबसे अच्छा लगता था। अपने से बड़े मर्द के लिए लड़कियों के स्वाभाविक आकर्षण वाली बलि उसकी भी चढ़ चुकी थी, और उस कम उम्र में जब उसकी सहेलियाँ सिर्फ उस सब के बारे में सोच सकती थीं, वो एक मेल के साथ फिजिकल इंटीमेसी को एक्चुअली इंजॉय कर रही थी, और वो भी रेगुलरली। शादी के 1-2 महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई। इसके लिए तैयार नहीं थी, मगर उसे यह भी एक अचीवमेंट टक रहा था। प्रेगनेंसी उस वक्त उसके लिए सिर्फ एक मामूली कीमत थी उस थ्रिल की।
क्योंकि ये कंजर्वेटिव फैमिली से थी, घर में सभी खुश दिखे तो ना ही उसे कोई ज़रूरत लगी कुछ अलग सोचने की। खैर, शादी के साल भर के अंदर शर्जील माँ बन गई और गोद में लुबना आ गई। मगर अब जो करवट ली उसकी ज़िंदगी ने, उसके लिए शर्जील कतई तैयार नहीं थी। इधर लुबना की पैदाइश हुई, उधर शर्जील के अंदर की उस अल्हड़ लड़की की मौत हो गई और उसकी सालों पुरानी नींद मानो टूटी हो। बेटी का बाप बनते ही उसका मियाँ एकदम से बेगाना सा हो गया उसके लिए। जो शौहर दिन भर उससे चिपका रहता था, अचानक उससे दूर रहने लगा। शर्जील ने पूरी कोशिश की कि हालात सुधर जाए, मगर वो तो बद से बदतर होते जा रहे थे। सास ससुर भी न जाने किस बात से मासूम लुबना और उसकी माँ से खफा थे। बहरहाल 6 साल किसी तरीके से शर्जील ने ससुराल में काटे और उस दौरान अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। और इसी दौरान उसे पता चला कि उसका शौहर किसी और औरत के साथ उसी शहर में शादी करके या शायद किसी लिविंग अरेंजमेंट में रह रहा है। ये जान शर्जील का सब्र का बांध टूटने से लगा, मगर उसको अभी भी उम्मीद थी कि उसका मियाँ वापस आएगा। खैर, जज्बातों की आंधी और हालातों की तपिश से बचने के लिए वो अपने माँ बाप के पास वापस आ गई। वो पिछले लगभग 8-9 साल से उन्हीं के साथ है। लुबना अब शहर के एक अच्छे स्कूल में 11वीं में पढ़ रही है और उसके पापा उससे मिलने कभी कभी आते हैं नानी के घर, लेकिन उसे अपने पापा से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो उन्हें सख्त नापसंद करती है। इधर शर्जील मायके आने के 2 साल बाद एक स्कूल में पढ़ाने लगी और अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। मगर इस सब के बीच उसका एटीट्यूड इतना रूखा हो गया है कि उसके पेरेंट्स भी उससे कुछ बात नहीं कर पाते, बस उसे रहने देते हैं उस हाल में जिस हाल में वो रहना चाहती है। अपना और अपनी बेटी का खर्चा खुद उठाती है और एक लिहाज से दो इस अरेंजमेंट से वो खुश है। उसके हस्बैंड ने ना उसे अभी तलाक दिया, ना दूसरी शादी की, और ना उसे वापस बुलाता है और ना ही अलग होने की बात करता है। खैर, शर्जील ने मुझे जिस विश्वास से ये सब बताया, मुझे पहले तो बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर मुझे अपना ये फ़र्ज़ लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। आखिर भरोसा किया है उसने मुझ पर। इसलिए एज़ यूजुअल जो दिमाग में आया वो सामने रखते हुए बोल दिया, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ तुम्हारी शर्जील, प्लीज़ बताओ, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू यार। एक गहरी सांस लेते हुए शर्जील बोली, क्या मदद करोगे तुम मेरी यार। एक फ्रेंड ने बोला कि ज़िंदगी में जिस जिसको थैंक यू ना बोल पाई हो उसे थैंक यू बोल दो, और जिस जिसका तुमने दिल दुखाया हो उसे सॉरी बोल दो, तब शायद तुम्हारी ज़िंदगी की ये परेशानियाँ दूर हो। बस इसी कॉन्टेक्स्ट में तुम्हारी याद आई, तुम्हें ढूंढा और बोल दिया थैंक यू और सॉरी। मगर समझ नहीं आ रहा मैंने तुम्हें ये सब क्यों बताया, मगर अच्छा भी लगा है तुम्हें ये सब बताकर। बस यार, अब दुआ करना कि मेरी लाइफ सुधर जाए। उसका ये कहना था कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं उस पर ऑलमोस्ट चीखते हुए बोला, तुम पागल हो क्या, मालूम भी है तुम क्या कर रही हो खुद के साथ। शर्जील ऐसे किसी रिएक्शन के लिए तैयार नहीं थी, सहम कर बोली, क्या हो गया। मैंने अपने अल्फाजों को कड़वे मगर सच्चे जज्बातों में डुबो कर कहा, तुम्हें कोई हक नहीं खुद के साथ ऐसी जिहालत भरी हरकत करने का, फौरन तलाक दो उसे और अलग हो जाओ, जो रिश्ता है ही नहीं उसे बचाने की ये कौन सी कोशिश में पड़ी हो। खुद की तो जिंदगी तबाह कर ली और अब जवान बेटी को भी जिंदगी तबाह करने पर आमादा हो उसकी। वन में गेट इन टू अ बैड रिलेशनशिप बाय चांस, बट वन स्टेज इन इट सर्टनली बाय चॉइस, समझी तुम। शायद इसी तेजी से बोला था मैं उससे। शर्जील को न जाने क्यों अपना सा मानने लगा था, इसलिए उसकी बातें सुन गुस्सा आ रहा था, अपाहिज सा महसूस कर रहा था, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता था, आखिर करना तो सब उसे ही था। बहरहाल शर्जील अब फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मेरा गुस्सा नहीं थम रहा था। खैर, कुछ देर बाद जब मेरा गुस्सा थमा तो उसने मुझे रोते हुए थैंक्स बोला, और उसके बाद जो उसने मुझे बोला वो शायद जिंदगी में मुझे मिला हुआ अब तक का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट था, सीधे किसी के दिल से निकली हुई बात थी। बोली, थैंक्स फॉर बीइंग द फ्रेंड आई थॉट आई नेवर हैड, यू द मोस्ट ऑनेस्ट एंड काइंड पर्सन वन कैन नेवर मीट, आई विल बी इंडेटेड टू यू फॉर माई एंटायर लाइफ। तुमने आज वो सब मुझे सुना दिया जो काश कोई मुझे 15 साल पहले सुना देता, तब तुम्हारी बात को ध्यान से नहीं सुना और आज इस बात का रिग्रेट है कि तुम्हें उतना सीरियसली नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। उसकी तारीफ को अपने ऊपर हावी ना होते हुए मैंने सीधे उससे बोला कि अगर वो मेरी ज़रा सी भी इज्जत करती है तो फौरन अपने माँ बाप से तलाक के बारे में बात करे।
मगर उसने मायूसी से कहा, यार अब जज्बाती तौर पर मैं अपने माँ बाप से इतना दूर जा चुकी हूँ कि उनसे ये सब नहीं कह पाऊंगी। सालों गहरे कम्युनिकेशन गैप बन चुके हैं। मैंने फौरन कहा, तो बताओ मैं कब तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे और तुम्हारी बेटी से मिल सकता हूँ, मैं बात करूँगा उनसे। उसने कुछ सोच कर मुझे एक दिन का समय मांगा। अगले दिन उसकी कॉल आई और सैटरडे को मीटिंग फिक्स हो गई उसके घर पे। मगर बयाना मैंने ले तो लिया, पर अब घबराहट हो रही थी। लगा किसी बवाल में ना पड़ जाऊं, क्योंकि आखिर मैं किसी की शादी तोड़ने की बात कर रहा था। मगर फिर याद आया कि शादी तो यहां सिर्फ निकाह नामे पर थी, असल में तो शादी के नाम पर मासूम जिंदगियों से खेल हो रहे थे। और फिर ख्याल आया कि शर्जील का शौहर कहीं मुझसे लड़ने ना आ जाए, कोई समस्या ना खड़ी कर दे। मगर फिर एहसास हुआ कि जो होगा देखा जाएगा, निपट लेंगे हम, कौन सा किसी अनजान शहर में है, और जब इरादे नेक हैं तो थाना पुलिस गुंडागर्दी से भला क्या डरना। खैर अपने अंदर के सभी डरों को शांत करते करते सैटरडे भी आ ही गया, और जितना टफ मुझे लग रहा था ना, उससे कहीं आसान था उसके पूरे परिवार को कन्विंस करने में कि शर्जील का तलाक बेहद जरूरी है। शर्जील एक बार को पीछे हटती दिखी, लेकिन मैंने उसे तबीयत से फिर सुना दिया। उसके पापा बोले, बेटा हमारी तो इन्होंने सालों से सुनना छोड़ दिया है, इसलिए अब हिम्मत ही नहीं होती कि इन्हें कुछ बोलें। अगर सुन लेती तो आज तुम्हारे साथ यूं बैठकर बात ना करनी पड़ती हम सबको। पीछे से उसकी माँ बोली, हमें क्या समझ नहीं आता हमारी बेटी पर क्या गुजर रही है, पूरी जिंदगी बाकी है इसकी, आखिर ऐसे कब तक बैठेगी, तलाक तो होना ही चाहिए इनका, मगर अब ये इन पर है कि ये क्या चाहती हैं। दोनों के चुप होने पर मैंने लुबना को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वो राजी है अपनी मम्मी के तलाक के लिए। वो बड़ी मासूमियत से बोली, अंकल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मम्मी के साथ मुझे रहना है, और वैसे भी मम्मी एक डिवोर्सी की तरह ही तो रहती हैं, और तलाक तो बस एक फॉर्मेलिटी भर है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, जो मम्मी को अच्छा लगे वो करें। बेटी के मुंह से ये सब सुन शर्जील फपक कर रोने लगी, शायद इस एहसास से कि उसकी नन्ही परी देखो जरा कितनी बड़ी हो गई है। खैर 3 घंटे के डिस्कशन, 4 कप चाय और फालतू के नाश्ते के बाद शर्जील आखिर मान गई। 5 दिन बाद उसके पापा का फोन आया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत डिवोर्स प्ली फाइल कर दी है। पहली हियरिंग के बाद शर्जील ने बताया कि उसका हस्बैंड अमेजिंगली कोऑपरेटिव रहा, और उम्मीद भी है कि 6-7 महीने में फॉर्मली तलाक भी हो जाएगा। आई वॉज टू हैप्पी फॉर हर। मुझे इस बात का अंदाजा था कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी थी नहीं जितना शर्जील ने उसे बना रखा था। उसके अंदर का डर, हिम्मत की कमी, समाज को फेस करने का कॉन्फिडेंस, इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन उसके अंदर ही था। मैंने उसे कुछ नया नहीं बताया, मगर हाँ शायद तब बताया जब वो जानना बहुत जरूरी था। इंग्लिश में एक फ्रेज है ना, इफ यू ट्राई यू माइट गेट व्हाट यू वांट, इफ यू डोंट यू डोंट। शर्जील अब शायद ये समझ गई थी। बस दोस्तों इतनी सी थी ये कहानी।